और बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, खबर रांची से, जहां पर रांची में कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर उग्रवादियों का हमला हुआ है। उग्रवादियों ने कर्मचारियों की पिटाई कर दी है, जेसीबी मशीन जलाने की भी कोशिश हुई है। बीजूपाड़ा खलारी रोड के निर्माण ये करवा रही थी कंपनी और इसी कंपनी पर धावा बोल दिया गया है। बीजूपाड़ा खलारी रोड में निर्माण कंपनी ये थी और रांची की इस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्लांट पर उग्रवादियों का हमला हो गया है। आपको बताया कि कर्मचारियों की पिटाई करने की भी बात सामने आ रही है, वहीं जेसीबी मशीन को जलाने की भी कोशिश की गई है उग्रवादियों के द्वारा। तो बड़ी खबर रांची से, जहां पर रांची में कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर उग्रवादियों का हमला हुआ है। जमीनी संवाददाता सनी शरद पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सनी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए ज्योति, रांची से बीजूपाड़ा के बाद बीजूपाड़ा से खलारी सड़क पड़ता है और उसी में निर्माण कार्य चल रहा था। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहीं पर कुछ उग्रवादी आए हुए थे जैसा कि कंपनी के लोगों का कहना है, और फिर लेवी की मांग की गई थी और उसके बाद नहीं देने पर उनकी पिटाई की गई है और जो जेसीबी मशीन है उसे भी जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूछताछ कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उग्रवादी कौन से संगठन से जुड़े हुए थे और किस मकसद से यहां तक पहुंचे थे। हालांकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने यह क्लियर कर दिया है कि वो लेवी की मांग कर रहे थे। पुलिस हालांकि छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन सनी, बहुत बड़ी बात है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला बोल दिया उग्रवादियों ने, यहाँ तक कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद थे और उनके साथ पिटाई करने की भी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बात बड़ी है लेकिन झारखंड के अन्य हिस्सों में ये बातें कह सकते हैं कि आम सी हो गई है। जिस तरह से उग्रवादी और अपराधी दोनों बेलगाम हो गए हैं और बेखौफ हो गए हैं, पुलिस को यह सोचना होगा कि कैसे आखिर इस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो काम चल रहा था वो कहीं ना कहीं जगजाहिर था और सबकी को पता था कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ काम कर रही है और काफी दिनों से ये काम चल रहा था। तो ऐसे में यदि उग्रवादी वहां तक अपने पहुंच जाते हैं और फिर अपने लोगों के साथ, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं तो ये शोचनीय बात है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या जवाब दे पाती है। ज्योति, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सन्नी शरद, तो रांची से बड़ी खबर, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर उग्रवादियों ने हमला बोल दिया, कर्मचारियों की पिटाई की और जेसीबी मशीन को भी जलाने की कोशिश की है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है कि आखिर किस उग्रवादी संगठन से ये जो उग्रवादी पहुंचे थे वो जुड़े हुए थे और इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है।